नमस्कार दोस्तों, यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में कई बड़े काम करने थे। इसी वजह से गांव के कई लोग उसे पसंद करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि वह बहुत मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान था। उसकी मेहनत और लगन देखकर सभी गांव वालों को यही लगता कि यह लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। वह हमारे गांव की हालत सुधारेगा और हमारे गांव को आगे ले जाएगा। और उस लड़के को भी विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है, इसलिए वह हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसकी आंखों में हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास रहता था। और यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया था, यूं कहें कि इसके पीछे कड़ी मेहनत थी। चूंकि वह तलवारबाजी सीखने में घंटों बिताता था, इसलिए वह तलवारबाजी का कठिन अभ्यास करता था, जिसके कारण उसका शरीर बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। ऐसे ही कई बार जब वह फेंसिंग करके घर लौट रहा होता था, तो रास्ते में कई लड़कियां उन्हें देखकर मुस्कुराती थीं, और बदले में वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। यहां तक कि उनमें से एक लड़की उसे पसंद भी थी, लेकिन फिर भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह घर लौट आता और अपनी तलवार पर धार लगाना शुरू कर देता, फिर से तलवारबाजी का अभ्यास करता है। और इस तरह वह रात में कई ऐसे काम करता है जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में मदद करेगा। अब यह उसका नियम बन गया था। ऐसी ही एक अंधेरी रात में वह लालटेन जलाकर अपनी तलवार पर धार लगा रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से धीमी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज उसका नाम पुकार रही थी। जैसे ही लड़का यह आवाज सुनता है, वह तुरंत हमला करने के लिए तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, तो देखता है कि वहां कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई सफेद और लाल चीज हवा में उड़ रही है। यह सफेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज एक आत्मा है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा दिखने में बहुत अजीब थी, क्योंकि वह ना तो महिला की तरह दिखती थी और ना ही पुरुष की तरह। ना खुश ना उदास, वह बहुत ही अजीब सी भाव भंगिमा के साथ हवा में उड़ रही थी। अपनी तलवार उठाकर पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो? आत्मा ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। मैं शो स्पिरिट हूँ, मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकता हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की यह बात सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत अजीब घटना थी, तो उसने उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या आप मुझे कुछ दिखा सकते हैं? तो आप मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाइए, जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी है। यह सुनकर वह अपनी आत्मा को उड़ा देता है और एक छोटा सा बादल बनाता है, जिसके अंदर लड़के को वह चमकती हुई तलवार दिखाई देने लगती है, जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिससे एक योद्धा तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। यह दृश्य कुछ देर तक चलता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन यह सब देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि यह वास्तव में बहुत मजेदार है और काम की आत्मा है। उसके मन में एक और विचार आता है, जो किसी भी युवा लड़के के मन में आता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। जैसे ही वह यह कहता है, उसके सामने एक बादल बन जाता है, जिसके अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, उतनी ही खूबसूरत जितना उसने आज तक सपनों में देखा है। उस लड़की के काले लंबे बाल और गहरी नीली आंखें, सुंदर चेहरा और बेहद आकर्षक तस्वीर है। यह देखकर जवान लड़का दंग रह जाता है, या यूं कहें कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह अगले कुछ मिनटों तक उस लड़की को देखता रहता है, फिर अचानक वह तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आता है। वह उस आत्मा से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। यह सुनकर वह आत्मा फिर से एक बादल बन जाती है, जिस पर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा का चित्र था। वह बहुत लंबा, चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था।
जो एक एक करके सभी अन्य योद्धाओं को मार रहा था। वह लड़का उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी से बहुत प्रभावित होता है और मन में सोचता है कि एक दिन मैं भी उसके जैसा योद्धा बनूंगा। अब ये सब चीजें देखने के बाद लड़का उस आत्मा से कहता है, बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ देखा है, अब आप यहां से जा सकते हैं। इतना कहने के बाद लड़का वापस अपनी तलवार की धार तेज करने में लग जाता है और अपने काम पर वापस चला जाता है। और आत्मा लड़के की बात के जवाब में बोलती है, ठीक है, अब अगर तुम्हें कुछ नहीं देखना है तो मैं तुम्हारा घर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी कुछ देखने का मन हो तो पीछे जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वहां वो सारी चीजें दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर वह नवयुवक बालक अधिक ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार की धार तेज करने में ही लगा रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते बीतते जाते हैं, समय समय पर लड़के को वो सारी बातें याद आती रहती हैं कि उसने देखा था, इसीलिए कई बार लड़का अपने घर के पीछे जंगल में चला जाता है, आत्मा को देखता है और घर वापस आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी की प्रैक्टिस के बाद जब लड़का बहुत थक जाता है तो वह सोचता है कि चलो आज देखो, मैं आत्मा के पास गया और अपनी सारी इच्छाएं बताने लगता है। वह कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह देखता है, अलग अलग मौसम देखता है, वह अपने कुछ दोस्तों को देखता है जो उसके साथ नहीं है, और कभी कभी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को अलग अलग चीजों में देखता है। इस तरह हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और कुछ महीनों के बाद इस लड़के में बदलाव आने लगते हैं। जहां लड़का घंटों तलवारबाजी का अभ्यास करता था, अब वह हर दिन एक घंटा पहले घर वापस आता है। कुछ दिनों बाद उसने उस आत्मा को अपने घर भी बुलाया, जिसके बाद वह जब चाहे तब आराम से चीजों को देख सकता था। पहले चीजें एक घंटे पहले हुई, फिर धीरे धीरे वह लड़का इतना निश्चिंत हो गया कि वह दो घंटे पहले आने लगा तो कभी तीन घंटे पहले। कई बार वह जल्दी घर आ जाता और आत्मा से बात करता, मुझे दिखाओ कि अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं। फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और वह हर दिन अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता और उनकी लड़ाई का आनंद लेता और सोचता है कि काश मैं भी एक दिन ऐसा बन पाता। धीरे धीरे उसमें कई बदलाव होने लगे। अब जब वह तलवारबाजी का अभ्यास करने के बाद घर लौटता था और लड़कियां उसकी ओर हाथ हिलाती थीं, अब वह उनकी ओर देखता भी नहीं था, वह उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देता था, क्योंकि अब उसने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं। वह भी सोचने लगा था कि काश उसे भी एक दिन उनके जैसी लड़की मिल जाए, और जिस दिन उसे ऐसी लड़की मिल जाएगी तो वह उससे ही शादी करेगा और वह उसके साथ वही रहेगा जिसके वह हकदार है। कई बार वह आत्मा से कहता है कि उस समय दुनिया में जो लड़ाई चल रही थी उसे दिखाओ, वह उन्हें देखेगा और उनमें से एक को अपने नायक के रूप में चुनेगा। वह उसके लिए तालियां बजाता था और खुश होता था, और अगर उसका हीरो हार जाता था तो उसे उसके लिए दुख भी होता था। उसके बाद मैं किसी और को उसका हीरो बना देता हूँ और उसकी लड़ाई देखता हूँ और उसका हौसला बढ़ाता हूँ। अब उसे ये सब करने में बहुत मजा आने लगा। उसे इसमें इतना आनंद आने लगा कि अब उसने तलवारबाजी का अभ्यास करने का समय बहुत कम कर दिया है। अब वह कभी कभी अपने घर आता और अपनी तलवार पर धार लगाता, और कुछ महीनों के बाद उसने धीरे धीरे अपनी तलवार पर धार लगाना छोड़ दिया। कई वर्ष बीत गए और उसकी तलवार वैसे ही पड़ी रही, और धीरे धीरे इसमें जंग लगना शुरू हो गया। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह आनंद ले रहा था, वह जब चाहे कुछ भी देख सकता था और खुश हो सकता था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ मनोरंजन था। अब धीरे धीरे उसे अन्य महान योद्धाओं से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वह उन्हें देखता है और स्वयं को देखता है। उसे बहुत दुख होगा क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गया था, जबकि अन्य लोग बहुत शक्तिशाली थे। एक समय के बाद उसे लगने लगा कि वह कभी महान योद्धा नहीं बन सकता, और जो बन रहे हैं वो उससे अलग हैं, उनमें कुछ खास है, उनके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके पास नहीं है, इसलिए वो कभी अच्छा योद्धा नहीं बन पाएगा।
इसलिए अब तक जिन लोगों को वो अपना हीरो मानता था उनसे वो ईर्ष्या करने लगे लगा, उन्हें गालियां देने लगा और उनमें गलतियां निकालने लगा। अगर वह कभी दौड़ने भी जाता तो अच्छे से नहीं दौड़ पाता। उसका शरीर बहुत भारी हो गया था और उसकी तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा था। उनकी चपलता और तलवारबाजी कौशल भी कम होने लगे थे। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और लड़के ने अपने बड़े सपने देखना छोड़ दिया। अब वह योद्धा नहीं बनना चाहता था। अब वह उस आत्मा की मदद से बार बार कोई योद्धा देखता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता, भले ही उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो। वह अकेला है, अपने जीवन से परेशान है, लक्ष्यहीन है और उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक रात वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही रात के 12 बजे कोने में बैठी आत्मा अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उस आदमी ने उसे देखा और चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक आत्मा ने अपनी कोई भी भावना व्यक्त नहीं की थी। वह बस एक गुलाम की तरह चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी, लेकिन आज वह हंस रही थी और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह आदमी एकदम सन्न रह गया। आत्मा ने कहा, अब मेरा यहाँ का काम समाप्त हो गया, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। डरते हुए उस आदमी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? यह सुनकर आत्मा फिर जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अब मुझे वो राज जरूर बताना चाहिए जो मैंने पिछले 10 साल से तुमसे छिपा कर रखा था। असल में मैं एक शैतान हूँ और इस दुनिया में सभी बुराइयों की जड़ हूँ। एक राक्षस आज रात इस गांव पर हमला करेगा और भविष्यवाणी में कहा गया है कि आपका जन्म उस राक्षस को नष्ट करने के लिए हुआ है। आप इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे। आप वह योद्धा थे जिसने हमारी बुराइयों को नष्ट कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में भयानक विनाश करेंगे और सभी अच्छी आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे। यह सब सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह हैरान होकर पूछता है कि तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम मुझे 10 साल पहले भी मार सकते थे। तब आत्मा ने कहा, देखो, ये तो बस भविष्यवाणी में बताया गया था कि इस संसार का कोई भी राक्षस, कोई शैतान, कोई भी योद्धा तुम्हें हरा नहीं सकता, और मैं तो एक छोटी सी जान हूँ, तुम्हें छू भी नहीं सकती, लेकिन अगर तुम्हें कोई हरा सके तो वह आप स्वयं होंगे। इसीलिए मैंने तुमसे लड़ने के बजाय धीरे धीरे तुम्हें जहर दे दिया, तुम्हें ऐसी ऐसी कल्पनाएं दिखाई। आज तुम इतने कमजोर आदमी हो गए हो कि न तो अपनी रक्षा कर सकते हो और न ही इस गांव की। यह सुनकर उस आदमी का दिमाग पूरी तरह से हिल गया। उसे एक बड़ा झटका लगा और उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे इतना दर्द हुआ कि वह जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे दर्द से कराहते हुए बोला, क्या मैं उन खूबसूरत लड़कियों को एक बार फिर से देख सकता हूँ? इस पर बुरी आत्मा ने हंसते हुए कहा, हाँ हमेशा, लेकिन सपने में। दोस्तों, यह कहानी हमारे आज के समय पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान कौन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉर्न, ड्रग्स और ऐसी कई लतें जो आज की पीढ़ी को लगातार कमजोर और उद्देश्यहीन बनाती जा रही हैं। बचपन में सपने देखने वाला हर व्यक्ति उन सपनों को काफी हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई, बिना मेहनत के चीजें हासिल करने की आदत पड़ गई, काम को टालना उसकी आदत बन गई, उसमें ऐसी लत लग गई जिसने उसे उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसलिए वह बड़े तो हुए लेकिन उनके सपने छोटे होते गए और उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया। आज के समय में इंसान की जिंदगी इतनी आसान हो गई है जितनी पहले कभी नहीं हुई। आज इंटरनेट के माध्यम से वह जब चाहे कुछ भी देख सकता है और खुश रह सकते हैं। इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी आसानी से मिल जाती हैं। इसके लिए पहले व्यक्ति को काफी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का आदमी इंटरनेट पर आसानी से जान सकता है कि वह क्या बनना चाहता है या उसका परिणाम क्या है, और खुश हो सकता है, जो उसके मस्तिष्क को सस्ता डोपामाइन देता है। अब क्योंकि मस्तिष्क को उस परिणाम का डोपामाइन प्राप्त हो गया है,
इसलिए वह वास्तविक जीवन में उस व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए जोर नहीं देता है। इसके बजाय वह अधिक सस्ते डोपामाइन की तलाश करता है। लोगों को इंटरनेट पर इसे देखने और उसके लिए जश्न मनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति इस नकली खुशी हार्मोन की कल्पना का आदि हो जाता है और असल जिंदगी में वह चुनौतियों का सामना करने से भागने लगते हैं, जिसके कारण आज के पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे वह कमजोर और उद्देश्यहीन होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम इस आभासी और नकली दुनिया से बाहर आएं और वास्तविक जीवन में चुनौतियां लें और उन्हें पूरा करें। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण बात है फोकस। बिना फोकस के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जरूरी है कि हम अपना ध्यान सभी प्रकार के व्यसनों से हटाकर अपने काम पर केंद्रित करें। लेकिन आज की दुनिया में इंटरनेट के भटकाव के बिना रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए जितना हो सके खुद को हर तरह के भटकाव से दूर रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि भटकाव हमारे सपनों को सिर्फ सपने ही बनाकर छोड़ देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।